दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूँ एक प्यारा सा गीत। गीत के बोल हैं जुल्म हो गया राम। इस गीत को आप भली भांति जानते होंगे, सुने होंगे। इसमें स्वर दिए हैं श्री महादेव हिरवानी जी और इसमें संगीत है श्री कुमारलाल साहू जी के। बहुत ही सुहाने गीत हैं। तो आज की इस वीडियो में चलिए सीखते हैं इस गीत को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्केल बताना चाहूँगा। यह है सा रे ग म प ध, फिर से नी सा रे और इस तरफ में नी ध प, यानी इतने स्केल इसमें यूज होगा। सभी स्केल शुद्ध है, इसमें कहीं पर कोई कोमल स्वर का यूज नहीं हो रहा है। और आगे अगर होगा तो देखते हैं। इसमें जहाँ तक इसमें तीव्र म का भी यूज होगा वो अंतर में हो सकता है। चलिए देखते हैं, बजाने पर ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्थाई, इसका इतने गीत शुरुआत में बजते हैं, उसके बाद में फिर म्यूजिक बजता है ना। तो इसको देखते हैं, गीत को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, सा से। ठीक है, नीचे स्केल पूरा रहेगा शुरुआत में, सा नी ध प ध फिर सा। देखते हैं, सा नी ध प ध फिर सा। जब हम इस तरफ में जाएंगे तो नी का यूज करेंगे और जब इधर में आएंगे तो नी का यूज नहीं करेंगे, सीधा धा से सा पर आ जाएंगे। देखिए इसको और कर्ण स्वर के रूप में लेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा समय तक आप नहीं रुकेंगे। देखते हैं, ठीक है, इसके आगे यहाँ पर तीन स्केल है। इसके आगे देखते हैं, स्केल है ग प ध सा नी ध प। ठीक है, यहाँ का स्केल है ग म रे सा। इसमें म का यूज ज्यादा समय के लिए नहीं करेंगे, कर्ण स्वर के रूप में लेंगे ना। किसी की हमने रेगा रेगा, ठीक है, रे रेगा सा पे रुकना है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है किस स्केल से म्यूजिक या गीत स्टार्ट हो रहा है उसको ध्यान देना रहता है और कहाँ पर ठहराव है उस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, ये दो चीज को आप बिल्कुल ध्यान देंगे तो गाना अच्छा बजेगा। ठीक है, हल्की कर्ण स्वर आपसे अच्छा लग पा रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर ठहराव है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नए सीख रहे हैं तो उतना आसान नहीं होता कर्ण स्वर लगाना जो है, और मैं भी उतना कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ जो बारीकी से एक एक शुद्धता चीज़ को आपको बता पाऊँ, और मेरे अनुभव में जो मैं सीख पाता हूँ उसी को आपको शेयर करता हूँ। और आपको ओरिजिनल गीत एक बार ज़रूर सुनना चाहिए, उसी के अनुसार आप सीखेंगे। ठीक है,
जितना मेरे जानकारी में रहता है, मेरा जो अनुभव है उसको शेयर करता हूँ। अच्छा लगे तो आप उसको अपनाइए, और जहाँ पर कंफ्यूजन होता है और जहाँ पर कुछ कमी होता है तो मुझे भी बताइए, ज़रूर मैं उसमें सुधार करूँगा। तो चलिए, ये था इसके गीत स्थाई, और इसके म्यूजिक देखते हैं। सिंपल है, सा रे ग प धा, क्रम से आना है हमें, म को छोड़ देना है, सा रे ग प धा। ध पर ठहराव है, ठीक है। एक एक लाइन को पहले देखते जाइए। पहला लाइन है सा रे ग प धा, सेकंड लाइन है सा ध प ग प, सेकंड लाइन हुआ। उसके बाद में इसके तीसरे लाइन, तीसरा लाइन है ध प ग सा रे। हम इधर में जाएंगे नीचे की तरफ स्वर में, तो रे को नहीं लेंगे, जब इधर आएंगे तभी रे को लेंगे, है ना। देखते हैं, ग से सीधे सा पर चले जाएंगे और उसके बाद वापस में सारे, है ना। ये तीसरा लाइन था। अब इसके चौथे लाइन है, चौथा लाइन कैसा है, ग रे सा धा सा। अब इसको स्लो मोशन में ही बजा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कंटिन्यू, अब इसके आगे म्यूजिक है। तो ये कैसा है, सा से सा रे ग कर्ण स्वर लेंगे म, उसके बाद सीधे र रे पे रुक जाएंगे, उसके बाद ग पे रुकेंगे, उसके बाद प पे रुकेंगे, फिर एक बार और देख लीजिए। ठीक है, और देखिए, यहां पर आपको पूरा नहीं लेना है, ठीक है। जैसे यहां पर पूरा पूरा ले रहे हैं म्यूजिक को, लेकिन यहां पर एक अंश छोड़ देना है, इतने बस करना है ना। सारे गा ऐसे करना है। इसके आगे और कुछ इसमें पीस है, बांसुरी का पीस है, उसमें आर्गन का पीस है, मैं आपको केवल बेंजो का पीस बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंतरा देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीव्र म का यूज हो रहा है ना, अंतरे में कैसा है,
पा मा गा रे है ना। सभी शुद्ध हैं इस बात को ध्यान रखेंगे तो आसानी होगा आपको समझने में। इसके आगे है कैसा है, सुलम उसल में देखिए। ठीक है, स्केल है ग प ध, और ध के बाद में हम सीधा कहाँ आए, सा, ध से सीधा सा पे है ना। यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद में ठीक है एक बार इसको पूरा सुन लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर से गीत के बोल। इसके बाद वही म्यूजिक रहेगा जो शुरुआत में बजाया था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और इसमें इतना ही था। और इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।